दोस्तों वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्जोली वंस अगेन। और आज हम करने वाले डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2023 की Hyundai Grand i10 Nios के स्पोर्ट्स सेकेंड टॉप वेरिएंट का। इस वीडियो में आपको छोटी छोटी और बड़ी सी बड़ी हर डिटेल इस गाड़ी के बारे में मैं बताने वाला हूं, तो ज़रूर अंत तक बनी रहिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में तो स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे, आप उनको बेझिझक कॉन्टैक्ट करिए फॉर द बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा अपने इंस्टाग्राम पेज के बारे में, विच इज़ बाय द नेम द कार शो अंडरस्कोर बाय अर्जोली। इसका जो यूज़र नेम और लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर हमें वहाँ पर फॉलो करिए। बाकी ये है Hyundai Grand i10 Nios का फेसलिफ्टेड स्पोर्ट्स सेकंड टॉप वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ। 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है बेहतरीन NVH लेवल्स के साथ एंड अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। 83 PS की पावर एंड लगभग 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है ये चार सिलेंडर का पेट्रोल इंजन जनरेट करके देता है। एंड आपको यहाँ पे बाय फ्यूल का भी ऑप्शन मिलता है, CNG में भी अगर आप चाहें तो Nios को खरीद सकते हैं फेसलिफ्टेड नए वर्जन के साथ भी। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं इसके फ्रंटल फैशिया पे, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ बदलाव है। तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प क्लस्टर में ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पर अभी मैंने हेडलैम्प को ऑन किया हुआ है, हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ पर दिया गया है। इंडिकेटर हाउएवर आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही दिया जाएगा। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे DRL को बदल दिया गया है, फ्रंट फैशिया को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो DRL सेटअप है वो काफ़ी हद तक ट्वीट मिलेगा एंड इसका डिज़ाइन थोड़ा बदल दिया गया है, थोड़ा सा बूमरैंग शेप चेंज कर दिया गया है इस DRL सेटअप का। पहले DRLs आपको ग्रिल के पास मिलती थी, अब यहाँ पे आपको फॉग लैंप के अराउंड मिलने वाली है। फॉग लैंप की हाउसिंग यहाँ पर आपको एज सच नहीं मिलती कोई, तो फॉग लैंप्स आपको नहीं ऑफर करे जाएंगे। बीच में बढ़ते हुए ग्रिल काफ़ी बड़ी कर दी गई है एंड पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नया डिज़ाइन है जो इसको एक अग्रेसिव लुक ऑफर करता है एंड उसके साथ साथ पियानो ब्लैक जो इंसर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया कॉन्ट्रास्ट जो है ये गाड़ी क्रिएट कर जाती है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर लोगो को भी बदल दिया गया है। आप लोगो देखिए, अब एक सिल्वर फिनिश में दिया गया है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है इस गाड़ी की ओवरऑल एस्थेटिक्स को। एंड ये एक्वा टील कलर है जो मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। तो पेट्रोल में ही ऑफर करी जाती है Grand i10 Nios एंड सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन फिलहाल ऑफर किया जा रहा है, विच इज़ द 1.2 लीटर फोर सिलेंडर कापा इंजन। बाकी साइड प्रोफाइल पे बढ़ते हैं, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो स्पोर्ट्स वेरिएंट होते हुए आपको यहाँ पे 15 इंच के स्टाइल्ड व्हील्स ऑफर करे जाएंगे। अलॉय व्हील्स आपको एस्टा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स। तो एग्जैक्ट टायर साइज है वो है 175/60R15। तो 15 इंच के ये स्टाइल्ड व्हील्स हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप सुन पा रहे होंगे प्लास्टिक फिनिश है, कोई भी अलॉय व्हील नहीं है इस स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर। AMT वेरिएंट लेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर तब भी आपको सेम ही जो है स्टाइल्ड व्हील्स ऑफर करे जाएंगे। लगभग 165 mm की 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है एंड 3800 के अराउंड जो लेंथ है इस गाड़ी की रखी गई है। मेनली स्विफ्ट एंड इग्निस जैसी गाड़ियों के साथ ये जो गाड़ी है कम्पीट करती हुई आपको दिखाई देगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज अट्रैक्टेबल ORVMs है जिसमें LED इंडिकेटर की जो स्ट्रिप है वो आपको यहीं पर दी गई है। नो रिक्वेस्ट सेंसर ऑन ऑफर, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको इस स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा, दैट हैज़ बिन रिजर्व फॉर द टॉप ऑफ द लाइन एस्टा वेरिएंट ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पिलर जो है ब्लैक्ड आउट है विच लुक्स नाइस एंड ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स दिखेंगी अब एंड शार्क फिन एंटीना भी। यहाँ पर सी पिलर पे ग्रैंड i10 की बैजिंग करी गई है जो पहले भी थी, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। एंड 37 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है Grand i10 Nios में। एंड अगर आप CNG वर्जन खरीदते हैं तो आपको 60 लीटर वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी का CNG सिलेंडर मिलेगा। तो ये है कुछ रियर फैशिया एंड साइड क्वार्टर व्यू फेसलिफ्टेड Grand i10 Nios का। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टेल लैम्प क्लस्टर से। अब यहाँ पर जो वेन्यू में डिज़ाइन लैंग्वेज ऑप्ट आउट करी गई थी वैसा ही कुछ इनकॉर्पोरेट किया गया है। आप देखिए बीच में आपको बूट पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, ये चलता नहीं है, बस एक रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिप का काम करता है, बट ये कनेक्ट करता है दोनों ही टेल लैम्प्स को, जिसके कारण गाड़ी थोड़ी चौड़ाई में
ज़्यादा लगती हैं एंड जो विड्थ है गाड़ी की ज़्यादा बढ़िया लगती है, जिसके कारण अच्छा स्टांस निकल कर आता है। टेल लैम्प क्लस्टर को रीडिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर अब आपको LED बेस्ड जो टेल लैम्प है मिलता है एंड काफ़ी ब्रॉड LED स्ट्रिप को यहाँ पर रखा गया है। आई एम सॉरी थोड़ा सा अंधेरा है फिलहाल यहाँ पर शूट करते हुए, यहाँ पर आप बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं हैलोजन बल्ब में ही देख पा रहे होंगे। अच्छा खासा साइज़ रखा गया है टेल लैम्प क्लस्टर का, स्पोर्ट्स वेरिएंट की बैजिंग है एंड नया लोगो नियोस की बैजिंग के साथ वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्रैंड आइटन यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है आपको, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा की जो प्लेसमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दो पार्किंग सेंसर्स लगाए गए हैं बम्पर पे, रिफ्लेक्टर ऐसा कुछ है एंड जो लोअर बम्पर है वो भी काफ़ी स्पोर्टी वे में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको कुछ ग्रूव्स मिलते हैं जो इसको एक अच्छा टच लैंड कर देते हैं अपने आप में। अब आपको रेयर वाइपर यहाँ पर नहीं मिलता जो आपको टॉप ऑफ द लाइन एस्टा वेरिएंट में मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेटेड डिफॉगर है। हाई माउंट स्टॉप लैंप में आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना जो है वो भी दिखने वाला है। अगर बूट को अनलॉक किया जाए तो लगभग 260 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर कोई भी इजाफा नहीं है, पार्सल शेल्फ आपको मिलेगी, बूट लैंप भी मिलता है विच इज़ एन एक्सेलेंट टच, गुड अटेंशन टू डिटेल एंड उसके साथ साथ आपको एक हुक भी दिया गया है। 14 इंच का स्पेयर व्हील मिलेगा, वो आपका नॉर्मल जो है स्टील रिम ही रहेगा ब्लैक कलर की फिनिश में, स्टाइल्ड व्हील का ऑप्शन आपको उस केस में नहीं मिलेगा। बूट की अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें, लोडिंग लिप ज़्यादा हाई नहीं है एंड माउथ काफ़ी चौड़ा है, तो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हुंडई ने काफ़ी अच्छा जो काम है किया है। ऊपर आप इंसुलेशन देख सकते हैं भरपूर मात्रा में मिलती है, तो डेफिनेटली फुल मार्क्स टू हुंडई फॉर दिस। तो ये है कुछ डोर पैड फेसलिफ्टेड ग्रैंड आइटन नियोस का। यहाँ पर आपको टूल टोन प्लास्टिक्स मिलते हैं, एक लाइटर आइवरी टाइप शेड है एंड एक ग्रे कलर के शेड को यूज़ किया गया है। ब्रश्ड एल्युमिनियम एक्सेंट्स में डोर हैंडल्स हैं, ऑल फोर पावर विंडोज, ORVMs आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल एज आई वॉज मैंशनिंग। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि जब इग्निशन बंद होता है आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इग्निशन ऑन है बट जब बंद होता है तब भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स ऑफ Hyundai कार्स। यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए जगह मिलती है, प्लास्टिक क्वालिटी में Hyundai के क्या ही कहने, हमेशा टॉप नॉच काम ये करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक क्वालिटी। आपको डोर बिन्स काफ़ी बढ़िया मिलेंगे, तो जगह काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है, नई ग्रे कलर की अपोस्ट्री यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है जो आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो है आपको लगने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर बेल को एंड आपको वहाँ पर एक छोटा सा फुटरेस्ट भी मिलता है, हालांकि वो कोई भी डेजिग्नेटेड डेड पेडल का काम नहीं करेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं इंटीरियर्स में ग्रैंड आइटन नियोस फेसलिफ्ट के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है बट आपको यहाँ पर कोई भी लेदर रैप्ड फिनिशिंग नहीं मिलेगी लाइक द टॉप ऑफ द लाइन एस्टा वेरिएंट। लेफ्ट साइड पे टेलीफोनी रिलेटेड कंट्रोल्स एंड राइट साइड पे आपको सरप्राइज करेगा, आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिया जा रहा है स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर, विच इज़ एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट टच। दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड चेंज बाई Hyundai। यहाँ पर आपको लोगो में भी एक नई तरह की फिनिशिंग जो है ऑफर करी जाएगी एंड ब्रश्ड एल्युमिनियम एक्सेंट यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे भी कैरी ऑन किया गया है। एज सच इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। 3.5 इंच की जो MID स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर मिलती है, जिसको आप इन बटन्स के साथ टॉगल थ्रू कर सकते हैं। तो जब आप इन बटन्स को यूज़ करेंगे तो आप एवरेज फ्यूल इकोनॉमी TPMS एक नया फीचर है जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो सब सारे टॉगल कर सकते हैं। एंड अब आपको एक नया फीचर ऑफर किया जा रहा है, आपको 4 एयरबैग्स बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, तो सेफ्टी में जो इजाफा है मेजरली Hyundai ने किया है विच इज़ एन एक्सेलेंट थिंग। एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको 2 ऑप्शनल कर्टन एयरबैग्स भी मिलेंगे, दैट सम्स अप टू 6 एयरबैग्स इन टोटैलिटी विच इज़ अ गुड चेंज ऑन दी सेफ्टी फ्रंट। बाकी स्टीयरिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में एक्सपेक्टेड भी नहीं है एंड आपको मिलता नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं वाइपर रिलेटेड टॉगल्स, प्लास्टिक क्वालिटी टॉप नॉच है। राइट हैंड साइड पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी मिलते हैं, तो जैसे ही आप इग्निशन स्टार्ट करेंगे गाड़ी अगर अंधेरा सेंस करेगी तो हेडलैम्प जो है अपने आप ही ऑन हो जाएंगे। MID अपने आप में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है एंड काफ़ी
तक जो हम बात है इसके बारे में कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अगेन नो मेजर चेंजेस हियर। इसका जो पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल है, इसकी जो केसिंग है उसको सेम रखा गया है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको मिलती है। 8 इंच का यूनिट है, पहले ही भी बहुत तारीफ कर चुका हूँ ह्यूंडई के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स की, बहुत स्लिक है, लैग आपको हार्डली ही करता हुआ मिलेगा एटलीस्ट डेली डे टू डे यूसेज में। इसके अलावा DRVM आपको मिलता है विच काउंट्स एज अ सेफ्टी फीचर, बट जब आप गाड़ी चला रहे होंगे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपको मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, रेडियो, मीडिया एक्सेट्रा, आप सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेविगेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के द्वारा कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फिनिशिंग है सेम ही रखी गई है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। नर्लिंग मिलती है आपको विच इज़ और प्रीमियम टच आइट से, यहाँ पर ओपन थोड़ी स्पेस है, सनग्लासेस वगैरह आप स्लाइड इन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स है, कूल फंक्शनैलिटी नहीं है बट सामान आपका जो ठीक मात्रा में है यहाँ पे फिट हो जाएगा। IRVM आपको मैन्युअली डिमिंग फंक्शनैलिटी के साथ जो है यहाँ पर ऑफर किया जाता है, ऑटो डिमिंग नहीं है। यहाँ पर एक सनवाइजर है पैसेंजर के लिए, एंड इधर आपको जो माइक्रोफोन है मिलेगा फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। ड्राइवर के लिए सिर्फ एक टिकट होल्डर जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेसेस के मामले में आपको यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, यहाँ पर कुछ नहीं है। टाइप सी चार्जिंग है, USB है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अलॉन्ग विद फ्रंट एंड रियर डिफॉगर बटन्स आपको मिलता है। यहाँ पर 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स है, सिल्वर फिनिशिंग, 2 कप होल्डर्स, एंड आपको मैनुअल हैंड ब्रेक डेफिनेटली दिखाई देगा। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अभी भी फिक्स्ड हेडरेस्ट ही है, अगर एडजस्टेबल होते डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ बन जाती है। इसके अलावा आपको कोई सनरूफ तो नहीं मिलता, बट आपको यहाँ पे हैलोजन बेस्ड जो रीडिंग लैंप है दिखाई देने वाला है। सो दीज वर द इंटीरियर्स ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड ह्यूंडई ग्रैंड आई10 नियोस। कमेंट करके बताइए कैसे कुछ आपको ये इंटीरियर्स लगे। बाकी जब आप रियर डोर देखेंगे यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे, डुअल टोन सेम प्लास्टिक से हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट है, एंड एक डोर बेन आपको डिसेंट साइज का मिलेगा। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसमें आप अपने निकनैक्स छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। स्पेस के मामले में ग्रैंड आई10 नियोस हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशियस फील होती है। इसके अलावा बेंच फोल्डिंग सीट्स है, आप ये पूरी सीट को बेंच के साथ बेंच की तरह गिरा सकते हैं। फिक्स्ड हेडरेस्ट हैं 2, एंड आपको रियर एसी वेंट्स जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं अलॉन्ग विद अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। जो फ्लोर हम्प है वो आपको ना के बराबर मिलता है, तो आप एक बच्चा बीच में एज अ सेंटर पैसेंजर भी काफ़ी आराम से बैठा पाएंगे। सो दिस वॉज द ग्रैंड आई10 नियोस फेसलिफ्ट। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कैसी कुछ लगी आपको ये वीडियो। बाकी जो इसके प्राइसिंग है, ऑन रोड प्राइस आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।